हमेशा की तरह तैयार होके अभी निकल रही हूँ साइट पे। एक्चुअली साइट पे कुछ इश्यूज़ हो गए हैं, एक्चुअली वाटर सप्लाई का कुछ प्रॉब्लम हो गया वहाँ पे, तो अभी कारपेंटर वहाँ रह के काम नहीं कर पाएंगे, तो इसीलिए उन्हें हमें शिफ्ट करना पड़ेगा कहीं और। तो अभी हम लोगों ने रेंट पे घर देखा है उन लोगों के लिए, तो अभी वहीं जाऊँगी। पहले साइट एक बार विज़िट कर लूँगी और फिर उन लोगों को लेके और उन लोगों का जो भी सामान है वो सब लेके उन लोगों को उस घर में शिफ्ट करेंगे। तो 1 महीना का काम है, तो 1 महीना वो लोग साइट के एक्चुअली सामने ही है, ज़्यादा दूर है नहीं, तो इसीलिए हम लोग सामने ही घर देखें कि जिससे वो लोग आना जाना कर पाए, उन लोग को प्रॉब्लम भी ना हो। तो अभी मैं भी वो घर देखी नहीं हूँ, बस ओवर फ़ोन ही बात हुआ है, तो अभी प्रैक्टिकली जाके देखेंगे कैसा है और फिर उन लोगों को वहाँ शिफ्ट करके फिर मैं वापस आऊँगी। और वहाँ से शायद हम लोग जाएंगे गौशाला, वहाँ से हम लोग को गोबर लेना है। एक्चुअली प्लांट्स में हम लोग को डालना था, क्योंकि लास्ट टाइम सिर्फ मिट्टी ही हम लोग डाले थे, गोबर नहीं, तो आज गोबर लेके आएंगे और कल संडे है तो टाइम भी रहेगा, तो प्लांट्स में गोबर डालेंगे जिससे इन लोगों को भी थोड़ा सा अच्छा लगे, इन लोगों को भी स्ट्रेंथ मिले। तो अभी पहले निकलती हूँ साइट पे और फिर जो प्रॉब्लम है साइट का वो सब सॉल्व करते हैं। तो अभी निकल रही हूँ और आज मैं ब्रेकफास्ट और लंच जो बनाई थी आप लोगों के साथ वो भी शेयर करूँगी। जब तक मैं साइट पहुँचती हूँ तब तक आप लोग देखिए आज मैं ब्रेकफास्ट में और लंच में क्या बनाई। आगे किचन में चाय पीना भी ख़त्म नहीं हुआ, तो साथ ही साथ काम हो जाएगा। ये है वो मटर, ये देखिए, ये सफ़ेद वाले छोटे छोटे जो मटर होते हैं ना वो, और इसके लिए मैं 2 प्याज, टमाटर, 2 मिर्ची और लहसुन, ये सबको मैं चॉप कर लूँगी। और उसके बाद जैसे छोले बनाते हैं, आप जो भी ऑयल लेते हो वो ले लीजिए। मैं सरसों का तेल लूँगी, उसमें तेज़पत्ता, सूखी मिर्च डालूँगी, फिर हींग डालूँगी, हींग ज़रूर डालिएगा। फिर इसमें प्याज डाल के थोड़ा फ्राई करूँगी, फिर टमाटर, फिर गार्लिक, ये सब डाल के थोड़ा फ्राई करके फिर लुटेन के थोड़े थोड़े मसाले। और उसके बाद ये ऑलरेडी बॉइल्ड है तो इसे ज़्यादा हम लोगों को सीटी नहीं लगानी है, मैं ज़्यादा से ज़्यादा 1 सीटी लगाऊंगी बस। उसके बाद रेडी हो जाएगा। उसके बाद उस पर धनिया पत्ता आप स्प्रिंकल कर दीजिए। तो मैं बनाती हूँ और आप लोग को दिखाती हूँ साथ ही साथ। स्टार्ट करती हूँ, ज़्यादा से ज़्यादा 5 मिनट लगे, 5 मिनट के अंदर ये तैयार हो जाएगी। ये देखिए तेजपत्ता और सूखी मिर्च डाल दी, अभी मैं हींग डालूंगी। यहाँ पे लहसुन डाल के थोड़ी देर फ्राई कर लेंगे, तो थोड़ी देर ये मेरी दोपहर की तैयारी। आलू परवल की सब्जी बनाऊंगी और चावल और चटनी में फ्रीज में कल बनाई थी, तो उससे हो जाएगा। और अब इसमें मसाले डाल दूँगी। लगाई हुआ है स्विच। अभी मटर डाल दी और इसे 2 से 3 मिनट फ्राई करूंगी, फिर इसमें पानी डालूंगी और 2 सीटी लगा दूंगी। ये देखिए, ये हो गई घुगनी। आलू परवल की सब्जी। वेलकम बैक टू माय चैनल, कैसे हैं आप सब बताइएगा ज़रूर। तो अभी मैं साइट से निकल के आ गई हूँ गाड़ी में, और अभी कारपेंटर को ले गए हैं दिखाने रूम, तो मैं गाड़ी में ही हूँ, बोलो देख के आ जाए। एक्चुअली उन लोगों को बस रात में रहने के लिए चाहिए, क्योंकि पूरे दिन तो साइट पे ही रहेंगे। रात 11-12 बजे तक वो लोग वहीं पे रहेंगे और फिर घर रूम में आएंगे, तो इसीलिए बस सिंगल रूम ही ले रहे हैं। और बस यहाँ का काम हो जाए, फिर यहाँ से निकलूँगी गौशाला, वहाँ से गोबर लेंगे और फिर घर चले जाएंगे। और अभी बज रहे हैं 4:30, तो बाई 5:30 घर पहुँच जाएंगे हम लोग। तो आपसे मिलती हूँ मैं गौशाला जाके। आ गए गौशाला और शाम हो चुका है, अंधेरा हो गया है थोड़ा बहुत। अभी अंदर चलते हैं। गौशाला तो आ गई थी मगर गोबर मिला नहीं, क्योंकि शाम हो चुके हैं। तो कल फिर से आएंगे हम लोग। और ये एक्चुअली फॉरेस्ट ऑफिस के अंदर ही आता है ये गौशाला। सुबह के टाइम में बहुत ही सुंदर लगता है ये एरिया। अभी तो जंगल जंगल ही एक्चुअली। तो हम लोग निकलते हैं घर, काफ़ी शाम हो गया, अंधेरा हो रहा है। घर जाके मिलते हैं। आ गए घर और अभी फ्रेश हो जाऊंगी। और एक्चुअली शाम हो गया था ज़्यादा, तो इसीलिए हम लोग को गोबर नहीं मिल पाया। एक्चुअली था, बट उन लोगों ने कहा कि कल सुबह आइए, फिर आप लोग आराम से ले लीजिएगा, क्योंकि मतलब अंधेरा भी हो गया था तो दिखता भी नहीं अच्छे से, तो इसीलिए हम लोग को नहीं मिला। कोई बात नहीं, कल फिर जाएंगे वहाँ पे और ले आएंगे। और फिर प्लांट्स को अरेंज करेंगे, फिर से मिट्टी को थोड़ा ऊपर नीचे करेंगे और गोबर को थोड़ा मिट्टी में मिलाएंगे अच्छी तरह से। लास्ट टाइम सिर्फ प्लेन मिट्टी ही डाल दिए थे, बट प्लांट्स को गोबर की भी ज़रूरत होती है, तो इसीलिए कल मिट्टी में फिर से गोबर को मिला के और प्लांट्स को फिर से ठीक करेंगे। तो अभी फ्रेश हो लेती हूँ, फिर चाय बनाऊँगी और उसके बाद मुझे डिनर भी बनाना है। तो अभी काफ़ी काम है, तो वो सब करती हूँ। चाय ऑलमोस्ट रेडी है, तो चाय आराम से पीती हूँ। हाफ एन आवर रेस्ट लूँगी और उसके बाद फिर किचन में आऊँगी, डिनर प्रिपेयर करूँगी। पहले आराम से चाय पी लेती हूँ, फिर किचन में मिलते हैं आपसे। किचन में आ गई और प्रिपरेशन भी हो गया है डिनर का, और थोड़ा ही बाकी है। आज बना रही हूँ बैंगन का भरता और रोटी। आटा भी लगा रही हूँ और बैंगन का भरता भी 10 मिनट में रेडी हो जाएगा, उसके बाद रोटी बना लूँगी। और अभी बज गए हैं 9:15, तो डिनर बना के और फिर जल्दी से फ्री हो जाऊँ। उसके बाद थोड़ी देर लैपटॉप पे काम है, तो वो सब करूँगी। पहले मैं काम फिनिश कर लेती हूँ किचन का। आगे रूम में डिनर हो गया, किचन क्लीनिंग भी हो गया। किचन में रात को ही क्लीन करके सोती हूँ, जिससे मैं सुबह जाऊँ तो किचन एकदम क्लीन रहे, काम करके भी अच्छा लगे। और किचन ऐसे भी हमेशा क्लीन रखना चाहिए, है ना। तो बस सब काम हो गया और अभी आ गई सोने। काफ़ी नींद आ रहा है और ड्राइंग का भी काम नहीं कर पाई, कल साइड पे जाना है, तो सोच रही हूँ सुबह ही कर लूँगी। बस अभी जल्दी सो जाऊँ, जिससे मैं जल्दी उठ पाऊँगी सुबह। और फिर वही रूटीन डेली का जो रहता है, वही सब लंच, ब्रेकफास्ट, डिनर और साइड वगैरह, ये सब तो चलते ही रहेगा। तो चलिए फिर इस ब्लॉग को करती हूँ यहीं पे एंड। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में नेक्स्ट डे। तब तक आप रखिए अपना ध्यान, मुझे दीजिए अपना ढेर सारा प्यार। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा मेरे चैनल को। बाय बाय, गुड नाइट, टेक केयर।